हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे काबुली छोले और आलू की टेस्टी चटपटी सब्जी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। गैस पर कुकर रख दिए थे, उसमें हम डाल देंगे 1 से 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिए हैं और हमने खड़े मसाला लिए हैं। तो ये देखिए, तेज़पत्ता 2 लिया है, लाल मिर्च, लौंग, चक्रफूल और थोड़ा सा जीरा लिया है हमने खड़े मसालों में। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम खड़े मसाले डाल देंगे। तो सभी मसाले डाल दिए हैं, मसालों को हम थोड़ा भून लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, खड़े मसाले भून चुके हैं। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देते हैं। तो 3 बड़े साइज के प्याज थे, उसे हमने लंबे में कट कर लिया है। तो उसको भी मिक्स कर लेते हैं और प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है। ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि बहुत अभी आलू भी हमें फ्राई करेंगे, तो आलू भी डाल देते हैं। कच्चे आलू हैं, 1 बड़ा आलू था उसे हमने छोटा छोटा ऐसे कट किया है। तो उसको भी मिक्स कर लेते हैं क्योंकि जब तक आलू भुनेगा प्याज भी साथ में और डार्क कलर हो जाएगा। तो आलू को भी हम भून लेते हैं 2-3 मिनट तक। और इधर हमने लिया है काबुली चना। काबुली चना और छोले की सब्ज़ी हम बनाएंगे। तो इसके चना हम उबला हुआ ही लिए हैं, तो इसको उबाल कर ही लेंगे। तो इधर चला देते हैं आलू को भी। तो ये देखिए, अभी आलू हल्का सा भुन गया है, थोड़ा सा और इसको हम भून लेते हैं। तो चला देंगे आलू को। तो आलू भुन गया है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है दोस्तों। अब बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखिए, आलू का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं काबुली चना। तो पूरा डाल दिया है हमने, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। तो इसको भी हम चला देते हैं। तो हमें चना को भी भून लेना है 2 मिनट तक। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है, 2 मिनट तक भून लेंगे हम। आप इसको बीच बीच में चेक करते ज़रूर रहिएगा, नहीं तो जल जाएगा। तो चला देंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, चना भी भुन गया है, ये देखिए। तो अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। अगर कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो कम डालें। तो अदरक लहसुन मिर्ची का तो हमने 2 चम्मच पेस्ट दिया है। ये मिर्ची जो है तीखा वाला ज़्यादा नहीं, तो इसलिए हमने 2 चम्मच डाला है। आप 1 चम्मच पेस्ट डाल देंगे। तो सभी को मिक्स करके हमें इसको भून लेना है। तो जब तक पेस्ट भुनेगा हम मसाला रेडी करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला में हमने काले मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला 2-3 तरीके के हैं। तो इसका हमने एक पूरा पेस्ट रेडी कर लिया है। तो अब इधर चला देते हैं पेस्ट भुना है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, पेस्ट भी भुन गया है अच्छे से। पूरा चला देंगे, सभी चीज़ें अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, जो पेस्ट पूरा है मसाला का, तो डाल देंगे हम। आलू और चने की सब्जी है मिक्स, तो हमें इसमें मसाला का यूज कम करना है। ज़्यादा मसाला नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उबला ही हुआ चना है और सूखा ही बनाएंगे। ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रहे हम, और टमाटर का भी यूज हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास टमाटर है तो आप 2 टमाटर का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं। तो सभी मसाला मिक्स हो चुका है, तो उनको हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। साथ में डाल देते हैं हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। बिना टमाटर का भी ये सब्जी अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए दोस्तों, मिक्स हो चुका है, तब इसको हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ढक देते हैं। तो 2 मिनट के बाद हम मसाला चेक करेंगे। तो दोस्तों 2 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं, तो चला देते हैं। तो ये देखिए, और धीमी आंच पर ही हमें मसाला को अच्छे से भूनना है, तभी मसाला भुना नहीं है। तो मसाला को हम 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे। तो इसको ढक देते हैं और धीमी आंच पर ही हमें भिन्न भूनना है। तो चला देंगे मसाला को। देखिए मसाला के ऊपर तेल दिखने लगा है, तो समझिए मसाला अच्छे से भुन गया है और मसाला से जो खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है।
चला देंगे तो सभी मसाले भुन गए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी हम नहीं बना रहे हैं तो पानी का यूज हम कम ही करेंगे, थोड़ा सूखा ही बना रहे हैं। तो ये देखिए छोला और चने के बराबर तक हमने पानी डाल दिया है। अगर आपको ग्रेवी वाली पसंद है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और डाल दें, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए बस इतना ही हमने डाल दिया है, तो अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ढक्कन भी हमने बंद कर दिया है, तो केवल दो सीटी आने तक ही पकाएंगे क्योंकि चना जो है पका है, आलू ही पकाना है केवल। तो ये देखिए एक सीटी हो चुका है, एक सीटी और हमें लगाना है, तो टोटल दो सीटी हो चुके हैं। तो गैस हमने बंद कर दिया है, तो ठंडा होने पर हम इसको खोलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ठंडा हो चुका है, तो अब हम ढक्कन खोल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुआ है, काबुली चना और आलू की मिक्स सब्जी इस तरीके से बनाए। तो चला देते हैं, तो ये देखिए दोस्तों कितना टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसको हम गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों सब्जी देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में ये कितना टेस्टी बना होगा। तो हमने इसको पूड़ी के साथ सर्व किया है क्योंकि आलू और काबुली चना के छोले की सब्जी जो है पूड़ी के साथ ही बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितना टेस्टी और चटपटा सब्जी बनकर तैयार हुआ है। अब बहुत ही आसान तरीके से आप भी इसको बनाकर अपने परिवार को खिला सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको यह काबुली चना और आलू की रेसिपी कैसी लगी है। हम आपके लिए ऐसी टेस्टी टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी लाते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।